गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद आप सब ठीक होगे। तो गाइस, अभी फिलहाल टाइम ना सुबह के ये देखो 4:30 बजे हैं, और आज का व्लॉग मैं सबसे ज़्यादा जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज करवा चौथ है। तो आप सबको हैप्पी करवा चौथ। मैं तो सारी रात जगता ही हूँ गाइस, और मीनू ने कहा था कि उसको ना 4:30 बजे जगा देना। तो आज वैसे भी करवा चौथ है, तो करवा चौथ का व्लॉग शुरू से करना तो बनता ही है। तो अभी बस ना मीनू ये देखो सो रही है, आ रहा भी ये देखो सो रहा है। तो गाइस, मीनू ने बोला था कि 4:30 बजे मैं उसको जगा दूं, तो वो ना उठेगी, नहाएगी धोएगी और फिर ना सरगी खा के और अपने यानी कि करवा चौथ के व्रत की शुरुआत करेगी। तो अभी तो ना पहले मीनू को जगाते हैं। और गाइस, ये देखना हमारा माशा, यू नो, कभी उधर मीनू के नीचे घुस जाता है, कभी इधर मेरे नीचे घुस जाता है। तो अभी ना पहले मीनू को उठाते हैं। मीनू, और गाइस देखना मीनू के हाथ पे मेहंदी लगी हुई है, लेट लगाई थी ना तो लगी हुई पीस हो गई। मीनू 4:30 हो गए, उठ जा, व्रत नहीं रखना। तो गाइस फाइनली मीनू उठ गई और उठ के गई अपनी सरगी की तैयारी करने। और ये देखो, ये हमारा से ज़्यादा तो सो रहा है घोड़े बेच के। तो गाइस मीनू ना भी आई, मेहंदी एक हफ्ते को लाई है, दूजे तक भी लाओ तो सवेरे लवा ली ना किस तो बस। और मीनू की सरगी आ गई, सरगी में है ये एक, इसको मट्ठा कहते हैं, और वो दूध में फेरियां डाल रखी हैं। तो बस अब मीनू सरगी खा रही है अपनी, तो कोई परौंठा परौंठा बना लेंदी नाल समोदी, इन्हां नाल थोड़ी पेट भरता। तो गाइस फिलहाल मीनू ने तो अपनी सरगी खा ली, अब मीनू भी सोने लगी है और मैं भी सोता हूँ। तो गाइस गुड आफ्टरनून, और अभी टाइम फिलहाल 3 बज गए हैं और मैं ना तब लेट सोया, 1 घंटा एक्स्ट्रा जागता रहा और नींद इतनी आई कि मैं ना उठा ही 11:30 बजे, और जब तक फ्रेश होते चाय पीते तब तक 1:30 बज गया था। उसके बाद ना फिर क्या हुआ कि ये जो करवा चौथ के व्रत में ना ये 3:30 बजे जो कथा नहीं सुनती, व्रत कथा लेडीज, तो मीनू ने ना वो कथा अपने यहाँ घर में ही ऑर्गेनाइज करी थी आज। तो मीनू ने सुबह बताया तो फिर उसी के अरेंजमेंट में लग गए। तो बस अभी फ्री हुए हैं, अभी नहा के आया हूँ मैं, तो फटाक से मैंने कहा व्लॉग कंटिन्यू कर दूँ क्योंकि अभी बस थोड़ी देर में लेडीज आने लग जाएंगी। तीन चार लेडीज तो आ भी गई, बस अभी थोड़ी देर में ना इनकी व्रत कथा चालू हो जाएगी। और ये देखो आज ये हमारा रॉकी बदमाश भी टाइम से ही आया बैठा है। हाँ भाई रॉकी, क्या बात है। तो देखना वो अभी भी है ना बाइक पे कहीं काम जा रहा था, उसके पीछे पीछे भी मेरे को बाइक पे चढ़ा, ऐसे करता है ये अभी बाहर को भागता है बार बार, ठीक है ना। अपने इसको छोड़ाते हैं, अगर ये बाहर भाग गया ना तो लेडीज आई बैठी है, कोई ना कोई डर के इधर उधर भागने लग जाएगी। चला इसको छोड़ाते हैं, 2-3 शाम को ले आना इसको, कोई बात नहीं, आ जा चलते हैं। तो गाइस अभी ना फिलहाल रोकी को उसके घर छोड़ाते हैं, ये वैसे भी ना भाग भाग के गेट के पास जा रहा है, बाहर जाने को कर रहा है ये, और बाहर लेडीज आई बैठी है, उनके बीच चला गया ना तो वो इधर उधर भागने लग जाएंगे डर के। तो इससे अच्छा ना इसको घर ही छोड़ाते हैं, वैसे भी ये घर जाने को कर रहा है। थाली दूर कर दे, आजूगा रोकी उत्ते नहीं आंदा। तो ये मीनू की कथा वाली थाली कहते हैं, तो बस वो 3 घर छोड़ के रोकी का घर है, अपने आप ही भाग जाता है ये, ध्यान से कुत्ता ना होके जाता, कुछ नहीं कहता, वहां भी एक आवाज मार लेना, तोड़ दिया रोकी को। तो गाइस बस अभी ना पंडिताइन आ गई, बस वो अभी कथा शुरू करने वाले है। और ये देखो ये बैठा कार पे लल्लू, और कथा उधर चालू होने वाली है। और चांद के जैसी ये रोशनी कर दी थी, शरीर में सुइयां ही सुइयां चुभ गई। वीरों को राजा की सुइयां निकालते निकालते 1 साल हो गया कि फिर से करवा चौथ का व्रत आ गया।
तो गाइस अभी फिलहाल ना मैं घर से बाहर आया हूँ, क्योंकि अंदर स्पीकर चल रहा है ना तो आवाज़ बहुत ज़्यादा है। अभी खैर कथा तो सुन ली इन्होंने, अभी ना वो थाली एक्सचेंज चल रहा है, वो मेरे को पता नहीं क्या होता है, पर जैसे जैसे वो दोहे आते हैं ना बीच में फिर इस थाली घुमाते हैं ये, अब पता नहीं कितनी देर करेंगे। तो मैं अभी बाहर आया हूँ थोड़ी देर, और आ रहा इधर गली में साइकिल चलाया जा रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। खड़ा अब अभी बाइक पे गया है और रोकी वो आकड़ा बार वो आ गया भाग के, आ रहे ने साइकिल ही छोड़ दिया उसको देख के, आ गया भाग के रोकी, देखना आ रहा के पास वो बाहर आ गया घर से। तो अबे ये जा रहा वैसे अभी ना सूर्य को अर्ध दे रहे हैं, धूप वहाँ आ रही है ना, इधर है सूरज उधर से इधर धूप आ रही है। तो गाइस अब मीनू ने कथा सुन ली, अभी एक बार पानी भी पी सकती है, एकदम ज्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए समझ आई, तो हम चाय भी पी सकते हो, खा भी सकते हो कुछ खा नहीं सकते। चंगा ला। तो गाइस मैंने तो सोचा कि सारे चले गए अपने अपने घर पे, तो मीनू बता रही है कि ना अभी चाय पीने गई है सारी, कि शायद चाय किसी के घर की पीते नहीं है, तो सब अपने अपने घर से चाय पी के और जो खाना है वो खा के वापिस आ जाएंगी डांस करने के लिए। चलो अभी फिलहाल मीनू ने पानी तो पी लिया, अभी चाय बना रही है, चाय पीती है मीनू, इसी बहाने आज हम भी शाम की चाय पी लेंगे। और ये देखो बस इसको दिखता क्या कि सारे गए, स्पीकर उठा लाया अंदर। तो गाइस मीनू के चक्कर में आज हम भी चाय पी रहे हैं शाम की। तो गाइस फिलहाल चाय पी ली और अभी ना मैं गली में आया हूँ व्लॉग करने के लिए, क्योंकि सारी लेडीज वापस आ गई और अब डांस कर रही हैं वो। तो ये गैंगस्टर भी आ गया, बड़े दिनों बाद दिखा भाई, ऐसे है और इसकी मम्मा भी आई हुई है यहाँ पे। तो भाई भीड़ ना बढ़ती जा रही है, काफी जने हो गए अभी तो। और ये देखना क्या कर रहे हो यहाँ पे, मरा पड़ा है वो, सोया ना पड़ा है, मरा पड़ा है वो। तो गाइस देखना वहाँ ना प्लॉट में कुत्ता मरा पड़ा है ये, तो वो देखो गाइस आज सवेर सवेर 4 बजे भी भौंकी जाते सी, ये तो काम खराब है यार। तो गाइस अभी फिलहाल ना घर पे तो शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, बाहर गली में खड़े हैं और ना हमारे सामने वाले प्लॉट में कुत्ता मरा पड़ा है, तो अब ना उसका कुछ करवाना पड़ेगा। अभी पता चला अभी तो नहीं आएंगे वो, सुबह ही आएंगे, तो रात रात में तो बदबू नहीं मरेगा। अभी तो फिलहाल गली में खड़े हैं और अंदर तो ना भीड़ हो रखी है पूरी, बहुत लेडीज़ आ गई और गलियों में भी ना तो सजी हुई लेडीज़ दिख रही हैं करवा चौथ के कारण ना। तो गाइस देखो अंदर तो भीड़ हो रखी है पूरी और डांस कर रहे हैं सारे, और ये देखो यहाँ पंगे लिए जा रहे, मेरी बात सुन लो, आ रहे प्लॉट में मत जाना। देखना गाइस दो टोलियां और रखी हैं, एक इधर एक उधर, ये देखना कुलदीप आंटी को पकड़ के बैठ गया, अरे छोड़ दे, तो देखना कुलदीप आंटी को जाने नहीं दे रहा ये। तो गाइस टाइम फिलहाल 6:30 बज गए और मीनू और ना अभी रुके हैं, लगभग लेडीज चली गई, बस 4-5 लेडीज बैठी हैं।
तो आज तो मैनू और ने सब लड़ी ने खूब डांस किया, खूब इंजॉय किया उन्होंने। किवें भुख लग रही है? भुख नहीं लगी दी, उल्टियां लग रही है। हाँ तो फिर कोई गल भी उधरों भुखे हो तो उधरों तुम नची जाने हो तो फिर फर्क तो पौगा ही पौगा। देखो ना अब कह रही है कि मेरा ना जी घबरा रहा है। तो वैसे देखना ये तो अपने पटाखे नहीं भूलता, कुछ भी हो जाए चाहे। अब जाके ना मुर्गा छाप ले आया, कल तूने वो माचिस वाला पटाखा चलाया था, तेरे हाथ पे लगी थी तो रोने लग गया था तू। छिलके फोड़ेंगे। अब तू रोता हुआ आया तो देखना फिर। तो गाइस आ रहा तो खैर अपने पटाखे ले आया, वो तो पटाखे चला रहा है बाहर गली में। ये देखो चला, देखना कहाँ रहे। भाग 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 भाग। ओए बत्ती छिली हुई है इसकी। तो गाइस अभी ना टाइम तो खैर ना 8:30 बजने वाले हैं, तो गूगल पे टाइम बता रखा था 8:10 का हमारी साइड में चांद निकलने का। अभी खैर छत पे चल के देखते हैं कि निकला भी है कि नहीं। तो गाइस चांद निकल गया, वो देखो। मम्मी चांद निकल गया, आ जा इधर। आ जा मीनू। तो देखना गाइस कैसे लाल लाल सा हो गया ना चांद। तो गाइस फिलहाल मीनू का व्रत खुलवा दिया, अभी नीचे चलते हैं। मैं बाहर चलिए रोटी खाना, नहीं बनती था तो गाइस यार मीनू का व्रत तो खुलवा दिया, शुक्र है कि चंद्रमा निकल गया। कई बार तो 9 बजे निकलता होता है पर आज तो जब ऊपर गए ना जाते ही देखा तो निकला हुआ था चांद। तो अभी खैर थोड़ी देर में खाने पे टूट पड़ना है अभी तो खैर। तो गाइस अभी तो खैर डिनर ही करना है और तो कुछ ब्लॉग करना नहीं है। इस ब्लॉग का तो अभी एंड करते हैं गाइस। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं गाइस आपको नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।